हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। विम टेक्स्ट एडिटर के सीरीज में हम डिस्कस कर रहे थे बेसिक एडिटिंग के बारे में, और इस वीडियो में जिस बेसिक एडिटिंग टेक्निक के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है डिलीटिंग वर्ड्स एंड डिलीटिंग लाइंस, यानी कि विम टेक्स्ट एडिटर में वर्ड या वर्ड्स को कैसे डिलीट किया जाता है और इसी तरीके से लाइन या लाइंस को कैसे डिलीट किया जाता है। तो एक बार इनके बारे में डिस्कस करने से पहले बेसिक एडिटिंग के जनरल रूल्स हम एक बार रिवाइज कर लें दोबारा से। एडिटिंग कमांड्स सिर्फ कमांड मोड में चलती हैं, और कमांड्स को अगर हम लोअर केस या अपर केस में टाइप करेंगे तो वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, और साथ ही अगर हम किसी कमांड के साथ एक न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि नंबर को ऐड कर देंगे तो वो कमांड अक्सर देखा गया है कि उतनी बार रिपीट हो जाती है। इन चीजों को हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए जल्दी से इसको हमने देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिलीटिंग वर्ड्स। अगर आप विम टेक्स्ट एडिटर में किसी वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस वर्ड के फर्स्ट लेटर के ऊपर अपने कर्सर को मूव कीजिए और फिर टाइप कीजिए DW। ऐसा करते ही वर्ड डिलीट हो जाएगा। इसी DV कमांड को अगर आप किसी न्यूमेरिक वैल्यू या नंबर के साथ यूज करेंगे जैसे 3DW, तो ये कमांड 3 वर्ड्स को डिलीट कर देगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि हम विम टेक्स्ट एडिटर में लाइन या लाइंस को कैसे डिलीट करते हैं। तो लाइंस को डिलीट करने के लिए DD या DD कमांड को यूज करते हैं। ये कमांड पहले की दोनों कमांड्स जो हमने करेक्टर और वर्ड को डिलीट करने के लिए यूज की थी उनसे थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि उन दोनों केसेस में आपका जो कर्सर है वो वर्ड के फर्स्ट लेटर पे होना चाहिए, जबकि जब आप लाइन डिलीट करना चाहते हैं तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं है। लाइन में कर्सर कहीं भी हो और आप DD कमांड दे दें कमांड मोड में जाके, तो वो लाइन पूरी की पूरी डिलीट हो जाती है और जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के स्टार्ट पे प्लेस हो जाता है। और नंबर्स का रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, यानी कि अगर आप चाहें एक से ज्यादा लाइंस को डिलीट करना तो आप DD कमांड के आगे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू रख सकते हैं, जैसे कि स्क्रीन पे दी हुई कमांड 2DD दो लाइंस को डिलीट कर देगी। अगर आप पूरी की पूरी लाइन को डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो हमारे पास एक और कमांड है D, जो कि अपर केस में होगा D। ये कमांड जिस लाइन में जहां पे आपका कर्सर प्लेस्ड है उस जगह से लेके लाइन के एंड तक अगर आप लाइन को डिलीट करना चाहते हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए इन कमांड्स को अपने विम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जाके रन करके देखते हैं। देखिए, मैं अपने विम टेक्स्ट एडिटर के ऊपर आ गया और हमने वही फाइल ओपन की हुई है जो लास्ट सभी वीडियोस में हम यूज करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम कमांड मोड में हैं और मैं चाहता हूँ कि ये हाउ पूरा का पूरा वर्ड डिलीट हो जाए, तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ DW, तो देखिए इमीडिएटली पूरा का पूरा हाउ डिलीट हो गया। और अगर मैं ये दो वर्ड्स R और U दोनों एक साथ डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं 2DW को टाइप करूंगा, तो मैं टाइप करने जा रहा हूँ 2DW, और देखिए इमीडिएटली दो वर्ड्स जो दोनों के दोनों वर्ड थे लाइन में वो डिलीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप DW कमांड को यूज करके वर्ड या वर्ड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए अब सीखते हैं कि हम विम टेक्स्ट एडिटर में लाइंस को कैसे डिलीट करते हैं। तो इसके लिए मैंने विम टेक्स्ट एडिटर में जो हम फाइल यूज कर रहे थे उसमें कुछ चेंजेस किए हैं और कुछ नई लाइंस ऐड की हैं। इसका कारण ये है कि हमारे पास पहले दो ही लाइंस थी, और अगर मैं उन दोनों को ही डिलीट कर देता तो हमारे पास कुछ ज्यादा करने के लिए नहीं था। तो चलिए सीखते हैं कि हम पूरी की पूरी लाइन को कैसे डिलीट करते हैं। तो पहले हम उस लाइन में कर्सर को लेके जाते हैं, तो देखिए इस बार मैं कर्सर को कहीं पे भी लाइन में प्लेस करता हूँ और DD प्रेस कर देता हूँ, तो देखिए पूरी की पूरी लाइन हमारी डिलीट हो जाएगी। तो जैसे कि अब मैं ये हेलो वर्ड लाइन को डिलीट करने वाला हूँ, अगेन DD प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ से हेलो वर्ड नाम की लाइन डिलीट हो गई है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो हाउ आर यू ये तीन लाइंस हैं, यानी कि 1, 2 और 3, ये तीनों लाइंस एक साथ डिलीट हो जाए, तो इसके लिए मैं 3DD कमांड को यूज कर सकता हूँ। तो मैं ये कमांड यूज करने वाला हूँ, मैं टाइप करता हूँ 3DD, तो देखिए इमीडिएटली तीन लाइंस हमारी डिलीट हो गई, और देखिए नीचे यहाँ पे लिखा भी आ रहा है कि 3 fewer lines, यानी कि 3 lines कम हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने ये चेक किया कि कैसे हम एक लाइन या मल्टीपल लाइंस को विम टेक्स्ट एडिटर में डिलीट कर सकते हैं। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या D कमांड वर्क करती है कि नहीं करती। अगर देखिए मैं चाहता हूँ कि मेरे इस लाइन में ये पूरी लाइन डिलीट ना हो, सिर्फ हाउ आर यू डिलीट हो और हेलो या इससे पहले वाला जो भी वर्ड या वर्ड्स हैं वो एज इट इज रहे, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ D कमांड।
तो मैं कैपिटल डी प्रेस करता हूं तो देखिए पूरी की पूरी लाइन डिलीट ना होके सिर्फ लाइन का वो पोर्शन जहां पे मेरा कर्सर था उससे लेके लाइन के लास्ट तक का पोर्शन डिलीट हो गया है। तो इस वीडियो में हमने विम टेक्स्ट एडिटर में वर्ड्स को और लाइंस को डिलीट करने का तरीका सीखा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।